दुकान के गले से उड़ाए रुपए लेकिन पकड़े गए। सूरजगढ़ थाने के पास एक हार्डवेयर की दुकान की घटना। 20 रुपए का सामान लिया, 10,000 रुपए पार किए लेकिन दुकानदार की मुस्तैदी से पकड़े गए दो उचक्के। शुरुआती पूछताछ में टोंक के रहने वाले बताए जा रहे हैं युवक। सूरजगढ़ पुलिस ने दोनों उचक्कों से पूछताछ की शुरू। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाने के पास ही दो उचक्कों ने एक दुकान से 10,000 रुपए पार करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे और भीड़ ने उन्हें पकड़कर पहले तो जमकर पीटा, इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक काचड़ा गाँव निवासी दयापाल कुमावत ने सूरजगढ़ कस्बे ही थाने के पास एक हार्डवेयर दुकान कर रखी है, जहां पर दो अज्ञात युवक आए जिन्होंने उसकी दुकान से 20 रुपए का सामान खरीदा और पैसे दिए। दुकानदार दयापाल ने 20 रुपए काटकर बकाया पैसे युवक को लौटा दिए लेकिन इनमें से एक युवक ने एक नोटा फटा हुआ था, यह कहकर दयापाल से बातों में लग गया। दयापाल ने भी फटा हुआ नोट बदलने के लिए जब गल्ला खोला तो आरोपित युवकों ने गल्ले में हाथ मारा और करीब 10,000 रुपए लेकर भागने लगे लेकिन दयापाल ने युवक का हाथ पकड़ लिया, जिसके चलते युवक ने भागने के चक्कर में दुकानदार को कुछ मीटर तक घसीटा भी लेकिन शोर शराबा होने पर पास पड़ोस के दुकानदार आ गए और दोनों युवकों को उन्होंने घेर कर दबोच लिया। पहले तो दुकानदारों ने दोनों युवकों को जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में आरोपितों ने खुद को टोंक जिले का होना बताया। हालांकि पुलिस दोनों से कड़ाई के साथ पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपित युवकों से अन्य वारदातों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। यह घटना दुकान में ही लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।